और रायपुर दौरे पर पहुंचे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने 20 वर्ष के इतिहास में बहुत प्रगति की और इस मौके पर ओम बिरला ने विधानसभा में लाने वाले कानून के डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया। उन्होंने विधायकों से कहा कि विधानसभा में बैठने की आदत डाले, अनुभवी विधायकों से बहुत अनुभव मिलेंगे। हमने इसी विधानमंडल के माध्यम से चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार विमर्श के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि खुशहाली को हमने आगे बढ़ाया। आज पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ प्रदेश समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने उन जनजाति क्षेत्र के अंदर जहां बहुत अभाव थे, लोगों की जिंदगियों को कठिनाई से गुजारना पड़ता था, उन क्षेत्रों के अंदर भी हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनके भरोसे को जीता, उनके विश्वास को जीता, लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास भरोसा बढ़े, इसके लिए हमने प्रयास किए, जिसके परिणाम है कि आज लोकतंत्र के इसी कारण से उस क्षेत्र में विकास भी हुआ है और लोगों का लोकतंत्र के प्रति भी भरोसा जुटा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे और रायपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और इस मौके पर उनके साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी मौजूद रहे। इस दौरान इन सभी नेताओं ने मंदिर स्वच्छता अभियान में साफ सफाई की। और जांजगीर चांपा में फर्जी ऋण पुस्तिका के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने फर्जी ऋण पुस्तिका के आधार पर 22 लाख का लोन लेने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 2.5 एकड़ जमीन को फर्जी ऋण पुस्तिका की मदद से 12 एकड़ जमीन दिखाई और बैंक से 22 लाख रुपए का लोन ले लिया। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र के देवरानी गांव का बताया जा रहा है और धोखाधड़ी का यह मामला जिसमें फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी नमूलाल पटेल के द्वारा थाना बिर्रा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके नाम पर 2.5 एकड़ खेती भूमि है, जिसको परमानंद कर्ज जो पौनी बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ का निवासी है एवं उसके साथियों के द्वारा तत्कालिक हल्का पटवारी के द्वारा फर्जी तरीका से कुल 2.5 एकड़ जमीन था उसको करीबन 12 एकड़ जमीन बनाकर B1 तथा अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया और HDFC बैंक राजिम जिला गरियाबंद से 22 लाख रुपया का लोन लिया गया है। उसके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और बलरामपुर में पुलिस ने अवैध धान से भरे हुए 2 ट्रैक्टर्स को जब्त किया। दोनों ट्रैक्टर्स में उत्तर प्रदेश से धान लेकर आए थे। जिला बलरामपुर में खरीदी केंद्र में खपाने की तैयारी थी और पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बाजरा गांव में दोनों ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया। धान लेकर बलरामपुर में बेचने के लिए पहुंचे थे आरोपी और इन्हें पकड़ लिया गया है। जो है यूपी बॉर्डर से लगा हुआ, वहां से 2 ट्रैक्टर अवैध धान परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर बसंतपुर थाने की टीम द्वारा दबिश दी गई और यूपी बॉर्डर पर 2 ट्रैक्टर धान जब्त किया गया है। और सूरजपुर में अवैध धान खपाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक अभियान जारी है। राजस्व अमले ने भैया थान के मोहली में एक किराने की दुकान से 100 बोरी अवैध धान जब्त कर दुकान को सील कर दिया। जिले से
54 धान खरीदी केंद्रों में किसानों से धान खरीदा जा रहा है। ऐसे में जिले में 3,20,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है। 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी। इस बीच जो तस्कर हैं वो दूसरे प्रदेशों से ला करके धान खरीदी केंद्रों पर बेचने की फिराक में हैं। ऐसे में कार्रवाई भी की जा रही है। जिले में अब तक 4,500 क्विंटल अवैध धान जब्त कर लिया गया है। कहते आती हैं अवैध धान खपाने की, अभी तक कुल 4,500 क्विंटल का प्रकरण बना है। 50 लाख से अधिक के धान की जब्ती की गई है, जिसमें 30 से ज़्यादा प्रकरण बने हैं और 4,500 क्विंटल धान जब्त किया गया है। और लगातार ये कोचियों के विरुद्ध और जो यहाँ पर इसमें बीच में जो दलाल सक्रिय हैं उनके विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। गूगल